सब गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। वी आर इन पॉलेलम, गोवा, साउथ गोवा। यहाँ पे हम लोग एक फिशिंग जोन में है। एवरी बडी हेयर इज फिशिंग, मतलब बेसिकली फिशरमैन है एंड नॉर्मल पीपल है। सो ये व्लॉग में एक छोटा सा व्लॉग ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। ये व्लॉग में वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो यू द फिशिंग कल्चर हेयर इन साउथ गोवा, एक्सट्रीम लेवल का। और ये देखो, सबसे पहले ये बड़ा बड़ा जो रस्सी से ये इतना बड़ा फिश का जो केज है फिश पकड़ने का, वो ये लोग खींचते हैं। एंड देन ये सब बाहर जब भी आता है तब हज़ारों फिश उसमें ट्रैप होके आते हैं। एंड दीज आर नॉर्मल पीपल, वो लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं एंड दे टेक अवे द फिश। जो नॉर्मल वाला जो दिखता है उनको फिश वो लेके जाते हैं। और सबसे अच्छा वाला फिश है वो ये फिशरमैन, जो मतलब बेसिकली जो ओनर्स है, दे टेक इट। सो यहाँ पे कोई हिसाब ही नहीं है फिशेस का, ऐसा लग रहा है। I'll show you again. Look at this. Oh my God. तो भी आप लोग सोच रहे होंगे चोरी है, चोरी नहीं बोल सकते। इतनी क्वांटिटी में फिश आता है कि देर इज नो हिसाब, उसका कोई हिसाब नहीं रहता। इसीलिए जो बची हुई छोटी मोटी फिश रहती है वो लोग लेके जाते हैं। दे डोंट माइंड फिशरमैन, जो अच्छे अच्छे फिश है वो फिशरमैन लेके जाते हैं। खराब खराब फिश, छोटी छोटी फिश या जो नहीं चाहिए अनवांटेड फिश, वो यहाँ पड़े पड़े रह के सड़ जाएगी, तो उससे बेटर है लोग लेके जाए एंड खाए। ये आई हैव आस्क्ड टू दिस पर्सन हियर। ये कुछ कुछ फिश एस्केप हो गए, खुश हो गए वो लोग, बट पानी जाए तो मरून जाते। ये बग ब्रॉन्स पन है, इट इज स्ट्रगलिंग नाउ। इसको ट्राई करो क्या, बचाओ क्या। सो दिस इज द फिशरमैन्स लाइफ इन गोवा, साउथ गोवा। एक्सट्रीम फिशिंग गोइंग ऑन हियर। तो उस बंदे को मैंने पूछा, मच्छी का नेट है जो समुंदर में है वो लोग खींच खींच के निकाल रहे हैं। अभी कितना बड़ा होगा पता नहीं, बट बहुत बड़ा रहेगा। अरे बाप रे, बाप रे, थाउजेंड्स ऑफ फिश गाइस। पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट है, झींगे पक्की थे। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश हियर, पॉम्फ्रेट से लेके प्रॉन्स से लेके, तो पता नहीं और क्या क्या होगा। प्रॉन्स बहुत है, प्रॉन्स एंड दोज नॉर्मल वाइट फिशेस भर भर के है। अरे यहाँ पे देखो पूरा प्रॉन्स का ऐसा मार्केट जैसा है। ओह माय गॉड, फ्री में, तो उसमें इसको हिसाब ही नहीं है, ये वही अच्छा वाला ही पकड़ता है, बाकी सब दे देता है लोगों को। तो वो उधर जो पड़ा हुआ सब लोग लेके जा रहे हैं। वो अंदर है ना, वही लोग लेके। सो बेसिकली क्या है कि ये जो फिशरमैन होते हैं ये अच्छी अच्छी फिश लेके जाते हैं, बाकी फिश का हिसाब ही नहीं है। पीपल कम पीपल टेक पीपल गो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अच्छी अच्छी फिश लेके वो लोग जाते हैं। जैसे ये सब अच्छा अच्छा फिश जो है वो जमा करके इधर रखा हुआ है। और कितने सारे फिशेस है देखो गाइस, कितने सारे फिशेस है। ओ माय गॉड, सब अच्छा फिश निकालने के बाद दे गो इनसाइड एंड दे वॉश इट लाइक दिस, ताकि उस पर जो मिट्टी लगी हुई है वो निकल जाए एंड दे कैन यूज़ इट फॉर कमर्शियल पर्पस। देखो एंड गाइस लुक एट दिस, व्हाट वी फाउंड। ये भी एक टाइप की फिश है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फिश दिस इज, आपको पता होगा तो बताओ मुझे।
तो अभी अच्छी वाली फिश जो ये लोग बेचेंगे वो यही यहाँ पे स्टोर करके रखी है और वहाँ पे फ्रेश और निकलना चालू है। सो आई थिंक ये रोज का इनका काम है। ये देखो पीपल आर कैचिंग बड़े बड़े फिश और लेके जाते हैं मस्त। बाप रे बड़े बड़े मिल रहे इनको। हेलो देखो बाप रे ऐसे अभी फिश लेके जा रहे हैं सीधा सॉर्टिंग सेंटर में, शायद से वहां जाके सॉर्ट करेंगे या तो बाजार में लेके जाएंगे डायरेक्ट भेजेंगे, पता नहीं उसके आगे के प्रोसेस। सो ये मौका टूरिस्ट लोग भी नहीं छोड़ रहे आके फिश पकड़ने का, ऐसा मैं देख रहा हूँ। रैंडम फॉरेनर्स दो तीन लोग भी पकड़ रहे थे वो, देखो फॉरेनर आंटी उधर, शी इज रेडी टू हंट। दो तीन महीना रहते हैं ना ये लोग फॉरेनर लोग, तो होगा कुछ चूल वूल करने का जुगाड़ होगा उनके पास। सो दादी ने हमको कंफर्म किया 500 रुपये का एक टोपला है, डायरेक्ट जाता है बाजार में बेचने के लिए। 500 रुपये में फिशरमैन जो बेचने वाले होते हैं, फिशरमैन नहीं बेचने वाले, वो लोग लेके जाते हैं एंड दे सेल इट अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट। सो ऐसा कुछ है या डॉग्स आर वेरी फ्रेंडली हेयर। बस करना कितना खाएगा ये, बस करना ये। अरे हाँ सो दिस इज कालामारी गाइस, स्क्विड जिसे हम बोलते जो खाया हमने उस दिन, इनके जेब में भर के रखा है कालामारी। हाँ एक्सपेंसिव खाया ना परसों ही खाया मार्केट में, सस्ता था वो कम प्लेट मिला जाए। कैसे बेचते हैं ये रेस्टोरेंट में? ज़्यादा पैसा मिलता है वैसा ना, दो कालामारी ना उसका ऐसा पीस करता है, कालामारी का 700-800 रुपये प्लेट देते हैं रेस्टोरेंट में। इधर कितने का है? उधर रेस्टोरेंट ऐसे देता है, प्रॉन्स है क्या? हाँ 700-800 में प्लेट लेता है, दो डालता है उसमें। और इधर कितने का बेचते मार्केट में? मार्केट सस्ता मिलता है, मार्केट में तुमको 4-10 पीस है ना, हाँ तो 300-400 में मिलता है। बाप 400 का लाता वो 5000 का। लुक एट दिस गाइस स्टार फिश, एक और है यहाँ पे। और ये देखो गाइस स्टिंग रेज मरे हुए हैं। ओह माय गॉड स्टिंगरे कोई खाता नहीं है लगते, इज डेड ना। इसको ऐसे ऊपर उठा के देखो क्या, ये तो उसका स्टिंग है, उसको क्या हाथ लगा रहा हूँ मैं। तो एक बंदे ने हमको बताया कि ये सब अभी छोटे छोटे फिश ये टाइम पे आते हैं, ब्रीडिंग हो चुका है, सो छोटे छोटे फिश आते हैं इन विंटर एंड मतलब एक दो महीने बाद यहाँ पे बड़े बड़े फिश आते हैं, तो कोई भी लेकर नहीं जा सकता। राइट नाउ पीपल दे आर नॉट दैट मच कंसर्न, तो लोगों को लेने जाने देते हैं नॉर्मल लोगों को, बट नॉट एवरी टाइम। If I'm wrong, please correct me. मैं 100% sure नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे जो देख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। So if you are from this area and you know better than me, let me know in the comments. Look at this. बाप रे सांप जैसा fish. So ये net आप देख रहे हो guys, ये और वो वहाँ की net. These two are different kind of nets. वो net जो होती है वो बीच से वो लोग खींचते हैं
पूरे जो मतलब नेट को, तो बेसिकली यहाँ से वो खींच के फिश यहाँ लाते हैं। ये नेट जाती है सीधा ये बोट से, और वो बोट में पानी में वहाँ पे ये नेट को खींचते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस। ये हल्की होती है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड बिग। दिस जेंटलमैन टोल्ड अस दिस। एंड अभी आप अभी जा रहे हो वहाँ पे? अभी जाएंगे सुबह? तो बेसिकली प्रिपरेशन चालू है लगता है। सो वेल, दिस इज़ द कॉमन फिशरमैन्स लाइफ इन साउथ गोवा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। जस्ट ट्राई टू मेक अ शॉर्ट वीडियो अबाउट दिस यूनिक कॉन्टेंट। ये जो एरिया है इन पालेलोम, बेसिकली पालेलोम बीच है वहाँ पे, और थोड़ा आगे ये एंड पे यू विल गेट ऑल दिस। नाउ ये हमेशा रहता है, इसका कोई टाइम है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी इन एंड टू सी दिस। दोज आर वेजिटेरियंस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट। मतलब ये फिश यहाँ पे मर रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट दिस इज हाउ इट इज। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो सम कल्चर इन साउथ गोवा, साउथ गोवन विलेज। सो आयरनी सुनो, हमने जो रेस्टोरेंट में खाना खाया वो बीच के साइड में पालोलम दोपहर को, वहाँ पे 10 प्रॉन्स के पीस, फ्राइड प्रॉन्स 350 रुपये, और यहाँ पे उसके बाजू में प्रॉन्स ऐसे लोग उठा के लेके जा रहे हैं। जीवन का असली सच। 10 भी नहीं थे, 9 थे।